सदैव खुश रहो। दिस इज JBN डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, प्रोग्राम इज BSc BEd PCM 5th SEM एंड कोर्स इज पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड सेशन ऑफ टुडे इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर प्रूविंग द मैथमेटिकल थ्योरम और मैथमेटिकल रिलेशन और मैथमेटिकल प्रपोजिशंस इन लॉजिक एंड मैथमेटिक्स। नेसेसरी एंड सफिशियंसी आर टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब ए कंडीशनल और इम्प्लीकेशनल रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, इन द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ पी देन क्यू, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी बिकॉज द ट्रूथ ऑफ पी गारंटीज द ट्रूथ ऑफ क्यू। इक्वलेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव पी विदाउट क्यू। इन वन एंड टू स्टेटमेंट सिमिलरली, पी इज सफिशियंट फॉर क्यू बिकॉज पी बीइंग ट्रू ऑलवेज इम्प्लाइज दैट क्यू इज ट्रू, बट पी नॉट बीइंग ट्रू डज नॉट ऑलवेज इम्प्लाइज दैट क्यू इज नॉट ट्रू। इन जनरल, ए नेसेसरी कंडीशन इज वन विच मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर फॉर अनोदर कंडीशन टू अकर, वाइल ए सफिशियंट कंडीशन इज वन विच प्रोड्यूस द सेड कंडीशन। द असर्शन दैट ए स्टेटमेंट इज नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन ऑफ अनोदर मीन्स दैट द फॉर्मर स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ द लेटर इज ट्रू। दैट इज द टू स्टेटमेंट मस्ट बी आइदर साइमल्टेनियसली ट्रू और साइमल्टेनियसली फॉल्स। इन ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज, नेसेसरी एंड सफिशियंट इंडिकेट्स रिलेशंस बिटवीन कंडीशंस और स्टेट्स ऑफ अफेयर्स, नॉट स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग ए मेल इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग ए ब्रदर, बट इट इज नॉट सफिशियंट, वाइल बीइंग ए मेल सिबलिंग इज ए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर बीइंग ए ब्रदर। सो इन द कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एस देन एन, द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाई एस इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट एंड द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाई एन इज कॉल्ड द कंसीक्वेंट। वन स्टेटमेंट इज एंटीसीडेंट और सेकेंड स्टेटमेंट इज द कंसीक्वेंस। सपोज आप कोई कथन मान लीजिए, किसी भी पेरेंट्स ने अपने बच्चे से कहा कि यदि तुम अमुक परीक्षा में 90% अंक ला दोगे तो मैं आपको स्कूटर दिलवा दूँगा। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है 90% अंक लाने का, वो एंटीसीडेंट है। और अगर ऐसा होता है तो वो स्कूटर ला देगा। That is the consequence. It is the consequence statement. So, the conditional statement may be written in the several equivalent ways, such as N if S, S only if N, S simply is N, N is implied by S, S then N, or whatever. In the above situation, N is said to be a necessary condition for S. In common language, this is equivalent to saying that if the conditional statement is true statement, then the consequent N must be true. If S is to be true, in other words, the antecedent S cannot be true without N being true. For example, in order to someone to be called Sukrito, it is necessary for that someone to be
named similarly in order for human being to live, it is necessary that they have ear. So I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it soon. Thank you very much. See you all. Good for all of you.